ज्योतिष के हिसाब से इंसान किस समय पे पैदा हुआ और उस वक्त सूर्य किस दिशा में था, उस पर से इंसान की राशि तय की जाती है। फिर उस आधार पर इंसान की पूरी जिंदगी की कुंडली बन जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इंसान की जिंदगी में होने वाले सारी अच्छी बुरी घटनाएं उसके कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करती है। कभी ग्रह बिगड़ जाते हैं तो इंसान की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती है। ग्रहों का बिगड़ना, कुंडली में दोष, ये सब बात पे यकीन करना नहीं करना हर एक की सोच पे निर्भर करता है, क्योंकि जिंदगी में अच्छा बुरा होना सिर्फ ग्रहों पर नहीं तो इंसान के कर्मों पर भी निर्भर होता है। कोई बुरे काम करेगा तो ग्रह अच्छे होने से उसका बुरा काम अच्छा नहीं हो जाएगा। लेकिन कभी कभार सीधी तरह से पैसे कमाने वाले इंसान की जिंदगी में काफी परेशानी और मुश्किलें आती है, चाहिए उतनी सफलता और अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है काम में, तो ऐसी परेशानियां कैसे दूर करें इसकी काफी चिंता होती है। ज्योतिष कहते हैं कि अगर इंसान अपनी राशि के हिसाब से मनी पत्थर यानी जेमस्टोन पहने तो उससे काफी लाभ मिलता है, लेकिन अच्छा लाभ मिलने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी राशि को कौन सा मनी पत्थर पहनना चाहिए और कौन से फिंगर में पहनना चाहिए, जिससे जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाए। क्योंकि अगर आप दोनों में से कुछ भी एक गलत करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब जेमस्टोन बराबर पहनना है लेकिन गलत फिंगर में पहना तो कोई असर नहीं होगा, और आपके राशि का जेमस्टोन ना पहन के कोई और पहन लिया तो उससे भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। और इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि किस राशि के लोग को कौन सा जेमस्टोन कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए और उससे कौन से फायदे होंगे वो भी जानते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं अब आज के टॉपिक की। सारे 12 राशियों के बारे में बताऊंगी और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मेष। मेष राशि का ग्रह मार्स यानी मंगल है, इसीलिए इस राशि के लोगों को कोरल यानी मूंगा पहनना चाहिए और ये जेमस्टोन की रिंग अनामिका यानी रिंग फिंगर में पहननी है। इस स्टोन से फिजिकल स्ट्रेंथ और करियर में सक्सेस बढ़ेगा, और जो लोग मैकेनिकल या टेक्निकल जॉब्स करते हैं उन्हें ये स्टोन जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल और टेक्निकल जॉब्स में काफी रिस्क होता है कटने और चलने की, तो मूंगा स्टोन पहनने से आप ऐसे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। वृषभ। वृषभ राशि का ग्रह शुक्र यानी वीनस है, इसीलिए इस राशि के लोगों को मिडल फिंगर में डायमंड पहनना चाहिए। ज्यादातर डायमंड किसी भी राशि के लोग पहनते हैं, लेकिन वृषभ राशि वाले अगर आर्ट, इंटीरियर, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटिशियन ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो सक्सेस के लिए डायमंड पहनना अच्छा होगा। और इसके सिवा डायमंड हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए भी काफी फायदेमंद है। मिथुन। मिथुन राशि का ग्रह मर्क्यूरी यानी बुध है, इसीलिए इस राशि के लोगों को एमरल्ड यानी पन्ना पहनना ज्यादा फायदेमंद होगा। पन्ना स्टोन रिंग लिटिल फिंगर यानी जिसे कनिष्ठ कहते हैं उसमें पहनना है। पन्ना स्टोन इंटेलिजेंस और कंसंट्रेशन पावर के लिए काफी अच्छा होता है, इसीलिए आपके बच्चों को अगर पढ़ाई में चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसे पन्ना पहनने दे, इससे स्टूडेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और परफॉर्मेंस अच्छा होगा। कर्क। कर्क राशि का ग्रह चंद्रमा है, तो इस राशि के लोगों को लिटिल फिंगर में पर्ल यानी मोती पहनना चाहिए। मोती पहनने से मेमोरी अच्छी रहेगी, इमोशनल लाइफ बैलेंस रहेगी और इंसान की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। सिंह। सिंह राशि का ग्रह सूर्य है, इसीलिए इस राशि वालों को रूबी यानी मानिक पहनना चाहिए। सारे जेमस्टोन्स में से मानिक को सबसे अलग और महंगा मिलने वाला स्टोन है, लेकिन सिंह राशि वालों को मानिक पहनने से काफी फायदे होंगे, जैसे करियर में हाई पोजीशन, पॉजिटिव थिंकिंग और गुड लक के लिए भी अच्छा है। कन्या। कन्या राशि का ग्रह मर्क्यूरी यानी बुध है, और इसीलिए इस राशि वालों को भी मिथुन राशि जैसे लिटिल फिंगर में पन्ना पहनना है। पन्ना पहनने से इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता है, और इसीलिए जो लोग पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, स्पीच देने वाले हैं, ऐसा काम करने वाले लोगों को पन्ना पहनना काफी लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें बुद्धि का ज्यादा यूज होता है और पन्ना से मेमोरी पावरफुल होती है। तुला। तुला राशि का ग्रह शुक्र है, और इसीलिए राशि के लोगों को मध्यम उंगली में डायमंड पहनना है। तुला राशि के लोगों को डायमंड रिंग पहनने से पर्सनालिटी अट्रैक्टिव और अच्छी होगी, नॉलेज और पावर बढ़ेगा, और इसके सिवा डायमंड पहनने से राहु केतु के बुरे असर नहीं होंगे। वृश्चिक।
वृश्चिक राशि का ग्रह मार्स यानी मंगल है, इसीलिए इस राशि के लोगों को कोरल यानी कि मूंगा पहनना चाहिए और ये जेमस्टोन की रिंग अनामिका यानी रिंग फिंगर में पहननी है, क्योंकि इस स्टोन का कलर रेड होता है। इसे पहनने से ब्लड रिलेटेड डिजीज नहीं होंगे, साथ ही अनेमिया वीकनेस जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और जिन लोग एक्टिविटी फील्ड से है जैसे सिंगिंग, डांसिंग और स्पोर्ट्स, उनके लिए ये स्टोन पहनना अच्छा रहेगा। धनु, धनु राशि का ग्रह जुपिटर यानी वृषापति है, इसीलिए इस राशि के लोगों को येलो सफायर यानी पुखराज का रत्ना पहनना चाहिए और ये रत्ना इंडेक्स फिंगर जिसे तर्जानी भी कहते हैं उसमें पहनना है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पुखराज फर्स्ट फिंगर में पहनना है। इससे आपको प्रसिद्धि, सक्सेस और पैसे ये सब पाने के लिए फायदेमंद होगा। कुंभ राशि का ग्रह शनि है जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है और इसीलिए इस राशि के लोगों को मिडल फिंगर में ब्लू सफायर यानी नीलम पहनना है। इससे आपको लॉन्ग लाइफ, काम में परफेक्शन और जिंदगी में शांति मिलेगी। साथ ही ये रत्ना आपको अस्थमा, पैरालिसिस जैसी बीमारियों से दूर रखेगा। मकर, मकर राशि का ग्रह भी सबसे शक्तिशाली है यानी इसका भी शनि ग्रह है, इसीलिए इस राशि के लोग भी नीलम रत्न का यूज करें। नीलम रत्न मकर राशि वालों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। मकर राशि के लोगों को नीलम रत्न पहनने से फाइनेंशियल फायदे भी होते हैं। मीन, अब सबसे आखिरी राशि मीन का ग्रह भी वृषापति है। इस राशि के लोग भी पुखराज रत्न का यूज करें और ये रत्न फर्स्ट फिंगर में ही पहनना है। पुखराज रत्न मीन राशि वालों को पढ़ाई में सफलता देता है। मीन राशि के लोग बिजनेस करते हो तो पुखराज पहनने से बिजनेस में होने वाले नुकसान कम हो जाएंगे। तो ये थे 12 राशियों के लोगों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए उसकी जानकारी। लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से पूछ ले, क्योंकि कुछ रत्न नकली भी होते हैं और इसीलिए रियल वाले ही रत्न पहनने जिससे अच्छा फायदा होगा। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।